हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब चैनल यूज कर रहे हैं और उसके अंदर आपने फेसबुक का अकाउंट लिंक करके रखा है, ऐड करके रखा है, उसको आपको रिमूव करना है, डिलीट करना है, वो कैसे करना है, हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने फेसबुक अकाउंट ऐड करके रखा है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, इसको मुझे डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर यूट्यूब ओपन कर लेना है, ठीक है। यूट्यूब ओपन कर लेंगे यहाँ पर, youtube.com, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आपका जो ये अकाउंट है, इसका आइकन दिखेगा, जो आपका यूट्यूब का अकाउंट है यहाँ पर उसका आइकन दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको तीन डॉट दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन मिलेगा, ये आपको चेक करना है, ये डेस्कटॉप साइट का आपको चेक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका ये प्रोफाइल का आइकन दिख रहा था यूट्यूब का, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये एक ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे आपके सामने। यहाँ पर आपको क्या करना है, योर चैनल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको कस्टमाइज चैनल ये है ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कस्टमाइज चैनल का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ये बेसिक इन्फो करके एक ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर, ठीक है। बेसिक इन्फो करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है यहाँ पर लिंक करके रखा है आपने, यहाँ पर लिंक के नीचे फेसबुक, ये आपका फेसबुक अकाउंट लिंक है यहाँ पर रखा है। इसके सामने फ्रेंड्स, आपको एक डिलीट बटन दिख जाएगा। अगर आपको ये डिलीट बटन नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, जो ये URL है यहाँ पर आप प्रेस करोगे तो ये डिलीट का बटन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसको क्या करना है, आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है तो क्या होगा, यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा लिंक। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पब्लिश का बटन है यहाँ पर आप क्लिक कर देना है। आपको पब्लिश करने के बाद क्या होगा, जो ये आपका अकाउंट है ये यहाँ से आपका जो फेसबुक लिंक किया हुआ था आपने वो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि हमारा जो लिंक हम लोगों ने ऐड किया था वो गया है या नहीं, यहाँ से डिलीट हुआ है या नहीं, वो चेक करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो यूट्यूब का एप्लीकेशन है यहाँ पर उसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको तीन डॉट आपका जो आइकन है यहाँ पर दिख रहा था, यहाँ पर उसको इसके बाद यहाँ पर जो योर चैनल पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अबाउट के अंदर आना है, थोड़ा नीचे की तरफ आना है। तो फ्रेंड, इधर आप देख पा रहे हो कि जो आपका फेसबुक का यहाँ पर लिंक ऐड था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होगे कि अगर यहाँ पर आपका फेसबुक अकाउंट लिंक है उसको आपको डिलीट या रिमूव करना है यहाँ से, वो कैसे करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है और इससे आपका प्रॉब्लम ठीक हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।